इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रवीण जैन अध्यक्ष, ब्रिजेंद्र जैन उपाध्यक्ष, अशोक जैन महामंत्री, सुरेश जैन कोषाध्यक्ष एवं समस्त कार्यकारिणी, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सीपी ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम नव निर्मित भवन के नवीन वेदी में श्री जी स्थापना महोत्सव में। दर्शकों, विगत दिनों संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व उपाध्याय श्री 108 गुप्त सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व मार्गदर्शन से आचार्य श्री 108 शुद्ध सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री दिगंबर जैन मंदिर सीपी ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली में नव निर्मित भवन में नवीन वेदी में श्री जी स्थापना के शुभ अवसर पर सभी भक्त पूरे श्रद्धा भाव के साथ सम्मिलित हुए। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 11 एवं 12 जून 2022 को आयोजित कार्यक्रम के पावन दृश्य। आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री दिगंबर जैन मंदिर सीपी ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली में नव निर्मित भवन में नवीन वेदी में श्री जी स्थापना के शुभ अवसर पर 11 जून को आयोजित कार्यक्रम का प्रारंभ अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। ओम नमो रते भगवते पिक्षीनाशेष दोष कर्मशाय दिव्य तेजो मूर्ताय नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापितु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुब्ध उपद्रव नाशनाय सोक्षामणो विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रं ह्रस्यौषा नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं चेत् गुरु गुरु। प्रभु को रजत पांडुक शिला पर विराजित कर श्रावकों ने भक्ति भाव से पूजन किया, फिर भक्ति नृत्य करते हुए अपने इष्ट की आरती कर मनोरथ पूर्ति की कामना की। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर जी में हो रही जय जयकार है। अरे अब तो पार लगा दो भगवान, पुष्प चरण श्री नाया जी, पुष्प चरण श्री नाया जी, अजर अमर पर पद पाऊ में सिद्ध शरण में आया जी, सिद्ध शरण में आया जी। इसके उपरांत सभी भक्तों ने स्थान ग्रहण कर आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी जय कुमार निशांत, पंडित ऋषभ शास्त्री जी के निर्देशन में श्रद्धा भाव से विधान की मंगल क्रियाएं प्रारंभ की। ओम ह्रीं तत्रा सुतत सत्यै प्योनमार घ्यौनमामि ते स्वाहा। विशाद गुरुवे विद्यमान विंशति तंग्रेभ्यो श्री अनंतानाशिपरमेष्टिभ्यः शुदारोग विनाशनाय। विधान के दौरान ही भक्त चवर डुलाकर भक्ति नृत्य करते भी दिखाई दिए। पंखेड़ा तो उड़ के जाना कुंडल पूरी रे, महावीर प्रभु से कहना तेरे भक्त आ रहे, महावीर प्रभु से कहना तेरे भक्त आ रहे। पंखेड़ा ओहो पंखेड़ा, पंखेड़ा ओहो पंखेड़ा। ओम ह्रीं श्री देवशात गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति दंग्रेभ्यो श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो मोहांधकार विनाशनाय। ओजी अदनाजन अतरम सने तो बहुत सनदी गण पुष्पांजलि चिपंगामि। इसी क्रम में आगे समिति के गणमान्य सदस्यों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तदुपरांत याग मंडल विधान की मंगल क्रिया प्रारंभ हुई, पूजन दीप प्रज्वलित किया गया। इसी क्रम में अष्ट प्रातिहार की स्थापना की गई। ओ परी अष्ट प्रातिहार स्थापनम करोमि स्वाहा। फिर पूरे श्रद्धा भाव के साथ विधान मंडल के समीप जिनवाणी माता की स्थापना की गई। जिनवाणी जग मैया का नाम दुखे मेट दो, जिनवाणी निस्थापयामि, जय जिनवाणी माता की जय। तत्पश्चात पूजन अर्चन कर भक्तों द्वारा अर्घ्य समर्पित किए गए। वो नागकुमार देव अत्र आगच्छे आगच्छे, वो वासुदेव अत्र आगच्छे आगच्छे। अजी हो
ओ शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई काजी हो, ओ शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई के नगरी आदिनाथ जन्मे। ओम ह्रीं साधु मंगलाय नमः अर्घ्यम नृपमिति। ओम ह्रीं साधु लोकोत्तमाय नमः अर्घ्यम नृपमिति। अब यहाँ पधारे सभी भक्तों के लिए वो सौभाग्यशाली समय था जब गुरुदेव के अमृत वचनों को श्रवण करने का पुण्यदायक अवसर प्राप्त हुआ। अरिहंत भगवान के चार घातीय कर्मों के नाश होने के बाद चारों ओर दिखाई देते भगवान। कैसे दिखाई देते? और उनका शरीर के जो परमाणु है कैसे बने हुए? शांत, ये शांत राग, शांत राग। कौन सा राग? हाथ जोड़ो, शांत राग। राग शांत हो गए हैं, मतलब क्या हुआ? हाँ पंडित जी, राग शांत हो गए मतलब उसका दूसरा वर्ड क्या है? शांत राग का दूसरा वर्ड क्या है? वीत राग रस के। किसके? वीत राग नीरस नहीं है, ड्राई नहीं है, समझ गए ना? वीत राग का मतलब नीरस समझते हैं। फिर सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी द्वारा विधान मंडल के समीप पहुंचकर प्रभु भक्ति की गई। ओम ह्रीं शुद्धाब जनाय नमः अर्घ्यम नृपमिति। ओम ह्रीं संयम जनाय अर्घ्यम नृपमिति। कार्यक्रम के दौरान भक्त भक्ति भाव में लीन होकर नृत्य करते आनंद मनाते भी यहां दिखाई दे रहे थे। मेरे आदिनाथ प्रभु तेरे दीवाने आए हैं, और मेरे विराजी प्रभु मेरे दीवाने आए हैं, और मस्ती में झूमे नाचे, और मस्ती में झूमे। तदुपरांत आचार्य प्रमेष्ठी की आराधना के साथ महाअर्घ्य समर्पित कर श्रावक श्राविकाओं ने पुण्य लाभ अर्जित किया। ओम ब्रीम असिन प्रतिष्ठा महोत्सव मुख्य पूजार अष्टम बलि उन्मुद्धित साधु परमेष्ठिभ्य तन्मूल गुण ग्रामेभ्य पूर्णअर्घ्य महाअर्घ्य अनुभवेति। ये संपूर्ण उत्सव था वेदी स्थापना एवं श्री जी को विराजमान करने के निमित्त। शबलनि बीजाय सर्वत्र शांति कराय नमः जलादि अर्घ्यम नृपमिति। स्वयं स्वर्गोपगतां पीणां चिरांगदि बिंदु सतेश्वरम्। आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज के सानिध्य में दिगंबर जैन मंदिर सीपी ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली में नव निर्मित भवन में नवीन वेदी में श्री जी स्थापना में 11 जून को आयोजित कार्यक्रम का समापन हुआ। 12 जून 2022 को आयोजित कार्यक्रम का प्रारंभ परंपरागत अभिषेक व शांति धारा के साथ हुआ। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मृणताय दुंदुभि सत्प्रातिहारे सुवंतपदाय शिवलिंग विजय सर्वतो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। फिर आनंद भाव से भक्तों ने प्रातः कालीन मंगल आरती कर प्रभु से राग द्वेष दूर कर समस्त विश्व की मंगल कामना की। फिर सभी श्रावक श्राविका पूरे श्रद्धा भाव से जिनवाणी के दिव्य मंत्रों के साथ विधान करते हुए यहाँ दिखाई दिए। ओम ह्रीं श्री देवी सद्गुरु विद्यमान विंशति दंकर अनंत अनंत शत प्रभु अक्षपत प्राप्त अक्षतान रूपामेत देवी सद्गुरु विद्यमान विंशति दंकर अनंत अनंत शत प्रभु मोहन का विनाशन दीपम नरोपामेत स्वाहा। कार्यक्रम के दौरान यहां भक्ति भाव से नृत्य में लीन इंद्र इंद्राणी दिखाई दे रहे थे। तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य मानी महालोके माता श्री के ने वाणी में तो
पूजा आराधना के इसी क्रम में अब समय था कलश स्थापना का। सौभाग्यशाली महिलाओं द्वारा इस परंपरा का निर्वहन किया गया। शुद्ध जल पूरितम मंडलस्य परि ईशान दिशायां मंगल कलश स्थापनम करोमि। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। कार्यक्रम के अगले चरण में प्रभु जी के सम्मुख जिनवाणी माता की स्थापना की गई। हो कल्याणी मैया जन्म में दो अरहंत वासी अंतम गर्जा देवियम गत्या शुभम परमायु तुजंतो सुतुलानवा वैसा ओम ब्रीम मंडलेश्य परि श्रुत ज्ञान स्वरूप जिनवाणी स्थापयामि। जय जिनवाणी माता की। ओम ब्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र सर्व कर्म बंधन मुक्त संपूर्णोत्तम मंगलप्रद हे द्वादश काम देवेंद्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा इति स्थापनम। इसके उपरांत विधान मंडल के समीप बैठकर भक्तों ने विधान कर पूजन पात्रों में अर्घ्य समर्पित किए। ओम हराम ह्रीम हुरूम हरोम्रा जगदाब्दी नाशनाय ह्रीम शांति नाथाय नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलोनुप्रामिति। ओम म्राम म्रीम रूम नम्रा जगदाब्दी नाशनाय ह्रीम शांति नाथाय नमः अक्षय प्राप्ते अक्षतान नुप्रामिति। ओम राम ह्रीम रूम रौम्रा जगदाब्दी नाशनाय ह्रीम शांति नाथाय नमः कामणाय बुद्धि सुनाय पुष्टोनुप्रामिति। इसी क्रम में भगवान शांतिनाथ का पूजन अर्चन करते हुए विधान मंडल पर 64 अर्घ्य समर्पित करके सभी इंद्र इंद्राणियों द्वारा उत्साह पूर्वक महा अर्घ्य समर्पित किए गए। ओम रीम आस्या विश्रिद्धि प्राप्ते व्यनुमार्ग रूपामिति। पढ़त दृष्टि जिनकी जहां सर्वे विष्टल जाए आत्मरस आत्मरस। पुनः सभी भक्तों ने स्थान ग्रहण कर अगाध आस्था और विश्वास के साथ भक्ति भाव से प्रभु की आराधना की। तदुपरांत कार्यकारिणी समिति के गणमान्य सदस्यों का स्वागत सम्मान किया गया। इसी क्रम में गुरुजन के चित्र का अनावरण भी किया गया। इसके उपरांत समिति के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। इष्ट देव की भक्ति से भरे उत्साह उमंग के इन क्षणों में गुरुवर आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज के साथ भक्तों ने प्रभु नाम का गुणगान किया। साधु जीवन उत्तमा जिन धर्म उत्तमा साधु जीवन उत्तमा जिन धर्म उत्तमा। जब संचित कर्मों का उदय होता है तब पुण्यदायक क्षण जीवन में आते हैं। ऐसे ही सौभाग्य के क्षण थे जब गुरुदेव के अमृत वचनों को श्रवण कर भक्तों का जीवन कृतार्थ हुआ। वेदी बोलो प्रतिष्ठा। हे भगवान हम अपने मन मंदिर के वेदी में आपको प्रतिष्ठित कर रहे हैं। हम अपने अंतरात्मा में हाथों पर को हे परमात्मा आपको विराजमान कर रहे हैं। किसको विराजमान कर रहे हैं बोलो। तव पादो बोलो हाथ करो भगवान के तरफ। तव पादो
मम हृदय तव पदद्वये लीनं तिष्ठतु तावत् यावत् निर्वाण संप्राप्ते। ये मतलब है प्रतिष्ठा का। इसके उपरांत महावीर भगवान का छत्र अगाध श्रद्धा के साथ अर्पित किया गया। अब समय था विश्व शांति महायज्ञ का। विधानाचार्य जी के मार्गदर्शन में श्रावक श्राविकाओं द्वारा देवों के निमित्त यज्ञ में आहूतियां प्रदान की गईं। ओम ह्रीं रमसी हौसा नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं रमसी हौसा नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं रमसी हौसा नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं रमसी हौसा नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं रमसी हौसा नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। अब श्रावकों द्वारा अर्घ्य समर्पित कर कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान की गई। इसी क्रम में प्रभु एवं सभी जीवों से क्षमा याचना करते हुए कार्यक्रम का समापन हुआ। किसी भी जीव का घात हुआ हो तो वो सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। ओम ह्रीं अश्विनी प्रतिष्ठावसवे आहुमान देवगण स्वस्थाने गच्छन्तु अपराध क्षमापणं भवतु स्वाहा। इस प्रकार आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सीपी ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली में नव निर्मित भवन में नवीन वेदी में श्री जी स्थापना का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ सकुशल संपन्न हुआ। 11 तारीख को हमने जागमंडल विधान किया, 12 तारीख को शांति विधान और उसके पश्चात हमने वेदी श्री जी को नवीन वेदी में विराजमान किया। हमारे मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ है। अभी हमने कुछ कार्य करके श्री जी को नवीन वेदी में विराजमान किया है। इसके बाद हम बाकी मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे। मैं डॉक्टर सीपी जैन, जो कि इस मंदिर से 79 से अटैच्ड है, मैंने अपने युग में कितनी ही कमेटियों को देखा है, आई और चली गई, लेकिन इस यंग कमेटी ने जो काम करके दिखाया है वो सराहनीय है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उपाध्याय श्री गुप्त सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व मार्गदर्शन में आचार्य श्री 108 शुद्ध सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दिगंबर जैन मंदिर सीपी ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली में नव निर्मित भवन में नवीन वेदी में श्री जी स्थापना के शुभ अवसर पर 11 एवं 12 जून को आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धा और भक्ति की जो अमृत वर्षा हुई उससे भक्तों ने अपना तन मन पावन किया। सचमुच भक्ति में वो शक्ति है जो आत्मोद्धार के मार्ग पर भक्त को अग्रसर करती है। उम्मीद है आपने भी इस कार्यक्रम के माध्यम से पुण्य लाभ अर्जित किया होगा। आज के लिए इतना ही। आगे भी ऐसे ही किसी धार्मिक कार्यक्रम की पावन झलकियां लेकर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्रवीण जैन अध्यक्ष, ब्रिजेंद्र जैन उपाध्यक्ष, अशोक जैन महामंत्री, सुरेश जैन कोषाध्यक्ष एवं समस्त कार्यकारिणी, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सीपी ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली।